हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग फ्लो चार्ट ऑफ हैवी फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स। कोई भी कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल से शुरू होता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। उसमें कुछ स्टेजेस इन्वॉल्व रहता है। ये स्टेजेस क्रॉस करने के बाद रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है, तो वो आज पढ़ेंगे। पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जैसे ही हमें वर्कशॉप में मिलता है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मिल जाता है, उसके बाद इन्वॉल्व रहता है ग्रेड। ग्रेड फॉर एग्जांपल E350, E250, S355, J2+ है। पहला ग्रेड है 350। हमें रिक्वायर्ड ग्रेड क्या है और मार्केट में अवेलेबल ग्रेड क्या है, वो मटेरियल का इक्विवेलेंट ग्रेड्स हम एक टॉपिक कवर करेंगे अलग एक एपिसोड में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड्स एंड स्पेसिफिकेशन। उसके बाद आता है NDE, नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। रॉ मटेरियल जैसे ही रिसीव होता है तो उसको बिना तोड़े और बिना डिस्ट्रक्ट किए उसका टेस्टिंग किया जाता है पहले, कैसे UT, LPT, MPI, ये सब करके सरफेस डिफेक्ट्स या इंटरनल डिफेक्ट्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं बिना मटेरियल को डिस्ट्रक्ट करके, जैसे कि उसके अंदर ब्लो होल्स है, पिन होल्स है, कुछ भी क्रैक है, ये डिटेक्ट हो सकता है NDE से। देन आता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए हमें एक टेस्ट पीस रॉ मटेरियल से कटिंग करके लैब टेस्टिंग करना पड़ता है, जिसमें हमें उसका केमिकल कंपोजिशन, कोई भी केमिकल एलिमेंट्स क्या है, माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है, और उसका टेंसाइल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मटेरियल एक्सेप्ट हो गया, मटेरियल एक्सेप्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज में जाता है हमारा रॉ मटेरियल कटिंग। हमें कंपोनेंट के हिसाब से रॉ मटेरियल को कटिंग करके लेना पड़ता है। ये रॉ मटेरियल कटिंग हमारा डिजायर शेप में कटिंग हो जाता है। कटिंग होने के बाद इम्पोर्टेंट स्टेज है। एक इम्पोर्टेंट स्टेज क्या है? डिबरिंग। कोई भी मटेरियल कटिंग होने के बाद उसमें बर आता है, डिबरिंग करना जरूरी होता है। क्यों? डिबरिंग नहीं करेंगे तो किसी को भी चोट पहुंच सकता है। उसके बाद आता है डिबरिंग होने के बाद आता है टेक वेल्डिंग स्टेजेस। टेक वेल्डिंग स्टेज क्या होता है? कोई भी एक कंपोनेंट को प्लेट कटिंग हो गया, ये पार्ट वन हुआ, ये पार्ट टू हुआ, ये पार्ट थ्री, पार्ट थ्री, पार्ट टू, इसको फैब्रिकेट करना है तो ड्राइंग के हिसाब से फैब्रिकेट करना है तो वन बाय वन पार्ट को जोड़ना है। दिस इज कॉल्ड टैक वेल्डिंग। इसमें हम कोई भी परमानेंट जॉइंट करते नहीं है, टैक वेल्डिंग करके उसको इंस्पेक्शन करते, इंटरनल इंस्पेक्शन करा जाता है। इंटरनल इंस्पेक्शन में हम उसका रिक्वायर्ड डायमेंशन चेक कर लेते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इंस्पेक्शन होने के बाद अगर कंपोनेंट ओके हुआ, ओके होने के बाद नेक्स्ट आता है वेल्डिंग। वेल्डिंग में वेल्डिंग ये एक फिक्सिंग, कंपोनेंट फिक्स जॉइंट करना हो गया। इसमें आता है इन्वॉल्वमेंट WPS, वेल्डिंग प्रोसीड्योर स्पेसिफिकेशन, व्हिच मींस मटेरियल का ग्रेड के हिसाब से WPS सिलेक्ट करना पड़ता है, WPS एंड WPQR। हमें देखना पड़ता है ये ग्रेड मटेरियल को वेल्डिंग करने के लिए वेल्डर क्वालिफाइड है कि नहीं। तो पहले तो प्रोसेस फाइनल करेंगे, फिर वेल्डर फाइनल करेंगे, उसके बाद वेल्डिंग किया जाएगा। वेल्डिंग का एज भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। वेल्डिंग एज प्रिपरेशन एज पर ISO 9692, वेल्डिंग का जो भी प्रोसेस है क्या एज प्रिपरेशन करना है इसके हिसाब से करना पड़ता है। देन इंस्पेक्शन, वेल्डिंग होने के बाद वेल्डिंग का क्वालिटी एंड चॉक कितना डिस्टर्ब हुआ वो चेक करना है, इंस्पेक्टर का काम है।
वेल्डिंग का इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड है ISO 5817। इसके बाद आता है डायमेंशन एज पर ड्रॉइंग के हिसाब से डायमेंशन क्या है और अपना ऑब्जर्व डायमेंशन क्या है, ये चेक होता है सब कंपोनेंट्स का। अगर ये स्टेज ओके हो गया देन वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेज क्या है? स्ट्रेस रिलीविंग। स्ट्रेस रिलीविंग वही कंपोनेंट को किया जाता है, सभी कंपोनेंट को स्ट्रेस रिलीविंग किया नहीं जाता है। जो कंपोनेंट क्रिटिकल है, हैवी है एंड उसमें मशीनिंग मांगा हुआ है, अगर मशीनिंग करना है तो वाइब्रेशन और उसका डिस्टरबेंस को कंट्रोल करने के लिए मटेरियल को स्ट्रेस रिलीविंग किया जाता है। जब भी कोई कंपोनेंट में वेल्डिंग होता है, कोई भी दो पार्ट को ज्वाइंट करते हैं, तभी स्ट्रेस डेवलप होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के ड्यूरिंग में जो वेल्डिंग के टाइम जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको रिमूव करने के लिए हमें स्ट्रेस रिलीविंग प्रोसेस करना पड़ता है। ये दो तरीका होता है, वाइब्रेटोरी एंड थर्मल। इसमें इन्वॉल्व रहता है फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में उसको वाइब्रेट करते हैं, तभी उसका स्ट्रेस रिमूव हो जाता है। ये कोई भी बड़ा कंपोनेंट है, हैवी है, जिसको हम एक फर्नेस के अंदर नहीं आएगा और इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उसी कंपोनेंट को हम वाइब्रेटरी ऐसा प्रिफर करते हैं। नहीं तो छोटा कंपोनेंट हो गया, थोड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट हो गया, तो उसको थर्मल, इसमें टेम्परेचर एंड टाइम दोनों सेट करना पड़ता है। देन आता है स्ट्रेस रिलीविंग के बाद हमें फिर से एनडीई करना है, फिर से हमें एनडीई करना है, जैसे कि हो गया एमपीटी, एमपीटी। इसे क्या पता चलता है? ड्यूरिंग वेल्डिंग जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसके वजह से कोई भी पार्ट थोड़ा डिस्ट्रक्ट होता है, उसको जब भी हम लोग स्ट्रेस रिलीव कर देंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है कंपोनेंट, तभी क्रैक डेवलप हो सकता है, तो वो सरफेस क्रैक डेवलप हो सकता है, जिसे डिटेक्ट करने के लिए हमें एनडी करना जरूरी है। उसके बाद आता है मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस में कोई भी कंपोनेंट स्ट्रेस रिलीव हो गया उसे मशीन में लोड किया जाता है। इसमें देखना पड़ता है कि रिक्वायर्ड मशीन मैन पावर मशीन क्या लगेगा, क्या मैन पावर लगेगा और प्रोसेस। ये होने के बाद आता है इंस्पेक्शन, मशीनिंग इंस्पेक्शन, कि हमें इतना बड़ा कंपोनेंट को मशीन में लोड किया, कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो मेंटेन हुआ है कि नहीं, और मशीन इंस्पेक्शन करना जरूरी है। इंस्पेक्शन में कोई भी इंस्पेक्टर एज पर ड्रॉइंग उसका डायमेंशन इंस्पेक्शन करेगा और सर्टिफाई करेगा एंड रिकॉर्ड करेगा, IR इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना के उसको रिकॉर्ड करके रखेगा कि हमारा मशीनिंग में ये डायमेंशन हमारा कवर हो गया। फिर इंस्पेक्शन होके अगर ये प्रोडक्ट ओके हो जाता है, फिर जाता है ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग। कंपोनेंट का पेंट हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन में यूज करना होना है या इनाउस होना है या कोई भी वेदर कंडीशन में यूज करना है, उसके हिसाब से पेंटिंग हमारा स्पेसिफिकेशन बनता है। उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोटिंग सिस्टम होता है, 2 कोट है, 3 कोट है,
सिंगल कोट है या एसडीजी, ओनली एसडीजी है। जैसे कि आप रेलवे जो स्ट्रक्चर्स है वो सब एसडीजी है, वो एनवायरमेंट के हिसाब से उसे ओनली एसडीजी किया जाता है। तो ब्लास्टिंग का सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश कोटिंग टाइप, ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग, ब्लास्टिंग के 5 घंटे के अंदर पेंट होना जरूरी है। क्यों ब्लास्टिंग किस लिए किया जाता है ये तो अलग एक टॉपिक करेंगे, हम थोड़ा सा ही कवर करेंगे अभी। ब्लास्टिंग इसीलिए किया जाता है, कोई भी पेंट, कोई भी सरफेस अगर प्लेन रहेगा तो पेंट का लाइफ कम हो जाता है। तो ब्लास्टिंग से क्या करते हैं, सरफेस के थोड़ा रफ करते हैं, जिसके ऊपर पेंट आएगा, पेंट का ग्रिप बढ़ाने के लिए हमें ब्लास्टिंग करना पड़ता है। तो ब्लास्टिंग करके पूरा रिमूव होके विद इन अगर 5 आवर्स हम पेंट नहीं करेंगे तो ये सरफेस जो है रफ किया सरफेस रस्ट पकड़ना चालू हो जाएगा, एनवायरमेंट का मॉइस्चर के वजह से रस्ट पकड़ना चालू हो जाएगा। तो ये पेंटिंग विद इन 5 आवर्स होना चाहिए। पेंट होने के बाद एक लेयर अगर पेंट चढ़ गया ब्लास्टिंग के ऊपर, फिर हमें उसे थोड़ा सा रफ करना पड़ता है एम्ब्री पेपर से, एम्ब्री पेपर से थोड़ा सा रफ करना है, रफ करके फिर एक लेयर पेंट चढ़ाएंगे। अगर थर्ड 3 कोट सिस्टम है फिर इसको एम्ब्री पेपर से फिर रफ करना है, फिर एक लेयर पेंट चढ़ाना है। पेंटिंग ब्लास्टिंग के बाद आएगा क्लीनिंग। कभी कभी मशीन सरफेस को हमें पेंट अलाउड नहीं रहता है तो उस सरफेस को मास्किंग किया जाता है, ड्यूरिंग पेंटिंग मास्किंग करके उसे पेंटिंग किया जाता है। तो मास्किंग निकालने के बाद कुछ बर्स रहते हैं, उसको पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद फाइनल इंस्पेक्शन करेंगे। फाइनल इंस्पेक्शन में टोटल एज पर ड्राइंग कंपोनेंट फिर से इंस्पेक्शन होगा, उसका IR बनेगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये अगर एक्सेप्ट हो गया, फिनिश गुड एक्सेप्ट होने के बाद, अगर एक्सेप्ट ओके क्वालिटी से ओके हो गया, देन ये पैकिंग होगा। पैकिंग का एक प्रोसीडियर रहता है, पैकिंग प्रोसीडियर को सबसे ये पैकिंग होगा, देन स्पेस आएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है, कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, मैं उसका एक अलग एपिसोड बना के अपलोड करूँगा। थैंक यू।